स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाजा। और अगर आप प्रीपेड यूजर हैं या फिर पोस्टपेड यूजर हैं, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके टेलीकॉम ऑपरेटर ने आपको अंधाधुंध मैसेज भी भेजे हो कि भैया रिचार्ज कर लो, पैक खत्म होने वाला है, प्लान की वैधता समाप्त होने वाली है। ऐसे बड़े सारे मैसेज भेजने के बावजूद आप भूल जाते होंगे, मैं भी भूल जाता हूं, जिंदगी में बड़े सारे लोचे हैं, बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप ऐसे भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा भाई, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है ना, और कई बार फिर लेट फीस भी होती है, और आप बाद में रिचार्ज करते हैं और भी बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ही अपने अलग अलग प्रकार के झंझट होते हैं। तो ऐसा अगर कोई एक ऐसी सर्विस होती ऑटोपे टाइप की, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली प्रीपेड या पोस्टपेड का जितना बिल या रिचार्ज होना है वो हो जाए, तो कितना मजा आता। तो ऐसी चीज एयरटेल वोडाफोन में एग्जिस्ट करती थी, बट अब यही चीज जो है रिलायंस जियो के लिए भी आ गई है। तो जियो का ऑटोपे फीचर कैसा है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जो ऑटोपे की फैसिलिटी है वो भारत में दे रहे हैं, और अब जियो ने भी अनाउंस किया है कि ऑटोपे भारत में अपने उपभोक्ताओं को देगा। अब यहाँ पे अच्छी बात है भैया, आपसे बिना पूछे पैसे नहीं कटने वाले हैं। बिल की ड्यू डेट से 7 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, और बिल की ड्यू डेट से 5 दिन पहले जाके पैसे कटेंगे। अगर किसी कारणवश वो पैसे नहीं काट पाता जियो का जो ऑटोपे का सिस्टम है, तो बिल की ड्यू डेट से 1 दिन पहले वो फिर से ट्राई करेगा पैसे डिडक्ट करने का, और इस तरीके से आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जियो ऑटो पे है क्या। तो भैया जियो ऑटो पे जो है वो आपके बिल्स को, चाहे वो पोस्टपेड के बिल हो या प्रीपेड के बिल हो, उनको ड्यू डेट से पहले ही भर देगा। और आइए जरा इसके थोड़े और जो फीचर्स हैं और जो और इसमें रिलेटेड जानकारी है उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। तो भाई जियो ऑटो पे जो है वो उपलब्ध है अभी जियो प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के लिए, जियो पोस्टपेड बिल पेमेंट्स के लिए, और आपके प्रीपेड जियो फाइबर कनेक्शन के लिए। जियो ऑटो पे फैसिलिटी जो है वो अभी फ्री है और आराम से सेटअप की जा सकती है। जब आप जियो ऑटो पे को इनेबल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ट्रैक कर पाएंगे बिल की ड्यू डेट या फिर रिचार्ज की एक्सपायरी डेट को। प्लान जो आपका होगा वो रिचार्ज कर दिया जाएगा या फिर आपका बिल जो होगा वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा ड्यू डेट से पहले, अगर आपका जियो ऑटो पे इनेबल्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जियो ऑटो पे को एड ऑन, टॉप अप, ISD या फिर रोमिंग पैक्स के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब स्वाभाविक रूप से आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया जियो ऑटो पे को सेटअप कैसे करें। तो भैया सरल सिंपल स्टेप्स है इसको सेटअप करने के लिए, प्रीपेड या फिर जियो फाइबर रिचार्ज के लिए या फिर पोस्टपेड बिल के लिए, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं माई जियो ऐप में। तो पहले माई जियो ऐप को खोलिए अपने फोन में, लॉग इन करिए अगर आप उसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद टैप कीजिए मोबाइल टैप पे स्क्रीन के सबसे ऊपर में। पर अगर आपको जियो ऑटो पे सेटअप करना है जियो फाइबर कनेक्शन के लिए, तो फाइबर के टैप पे टैप कीजिए और स्क्रोल करिए नीचे उसमें, और पे जाइए सेटअप जियो ऑटो पे। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा एक्टिवेशन पेज पे जियो ऑटो पे के, वहां पर टैप कीजिए गेट स्टार्टेड बटन पे जो कि स्क्रीन में सबसे नीचे होगा। फिर आपको मेन्यू दिखाई देगा जहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स दिखाई देंगे अगर प्रीपेड सिम है तो, और आपको वहाँ पे अपनी पसंद का जियो पैक चुनना है और पेमेंट ऑप्शन चूज करना है UPI या फिर बैंक अकाउंट में से, और आप चूज कर सकते हैं कौन सा पेमेंट मोड आपको पसंद है और प्रोसीड पे टैप कर सकते हैं। अगर आप UPI ID का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको अपनी UPI ID वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस पूरा होने पे वो जियो ऑटो पे को सेट कर देगा उस सिलेक्टेड रिचार्ज प्लान के लिए। इसको वेरीफाई करने के लिए जियो आपके खाते में से 1 रुपए काटेगा पेमेंट ऑप्शन को सेटअप करते वक्त, पर ये बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा जब आपकी वेरीफिकेशन पूरी हो जाएगी। अब भाई दूसरा ऑप्शन हुआ बैंक अकाउंट के द्वारा। अगर आप बैंक अकाउंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको वहां पे सेटअप करना पड़ेगा एक E-डेबिट का मैंडेट, यानी कि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड को ऑथराइजेशन मेथड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट वाले तरीके में आपको बैंक से अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा इससे पहले कि आप जियो ऑटो पे के फीचर को इस्तेमाल कर सकें, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और तीसरा एक और ऑप्शन है कि आप jio.com साइट से ही ये करें, तो इसके लिए आपको बस आराम से स्क्रॉल करना है और जियो ऑटो पे के लिंक पे जाना है जो पेज के सबसे नीचे दे रखा है, वहां पे चूज करिए मोबाइल या फिर फाइबर ड्रॉप डाउन में से और अपना जियो नंबर वहां पे डालिए, वहां पे क्लिक कीजिए जनरेट OTP पे, और फिर जो OTP आएगा उसको एंटर कीजिए, और जो बाकी स्टेप्स होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे कि माई जियो ऐप वाले स्टेप में थे। तो आप किसी भी पेमेंट मोड को चूज करें, एक बार सेटअप होने के बाद आपको एक मैसेज और मेल आएगा कि जियो ऑटो पे आपके सर्विस पे इनेबल हो चुका है।
अब आपके मन में अगला सवाल उमड़ रहा होगा कि भैया मुझे जियो ऑटोपे से छुटकारा चाहिए तो वो कैसे करूं। वो अभी सरल और सिंपल है। अगर आपको बाहर निकलना है जियो ऑटोपे की सर्विस से तो आप कर सकते हैं माई जियो ऐप पे जाके वहां पे टैप कीजिए सेटअप जियो ऑटोपे ऑप्शन पे। वहां पे आपको दिखाई देगा डीएक्टिवेट ऑप्शन सबसे नीचे, उस पर टैप कीजिए और डीएक्टिवेट को चूज कर लीजिए। jio.com वेबसाइट पे आप जियो ऑटोपे के लिंक पे जाइए, पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में होगा वो, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज जियो ऑटोपे का लॉग इन करने के बाद। और वहां पे जियो ऑटोपे को डीएक्टिवेट करने के बाद अब आपको फिर से मैनुअली सारी पेमेंट करनी पड़ेगी जियो रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट के लिए। तो दोस्तों ये थे वो सारे स्टेप्स जिससे आप जियो ऑटोपे को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा, आप क्या इसको इनेबल करेंगे कि नहीं, ये हमको बताइए भैया कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।